चलिए बाबू आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे दिया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस 3200 किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, कहा क्या रहा है कि 3200 किलोमीटर अर्थ के ऊपर ग्रेविटी कितना होगा। ठीक है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। यहाँ पर समझिए, हम सपोज कीजिए कि यह है अर्थ एक सरफेस है। ठीक है, अर्थ सरफेस है तो कह रहा है कि यहाँ से 3200 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तब जानते हैं कि अर्थ पर कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सहूलियत के हिसाब से हम कभी कभी 10 भी ले लेते हैं। ठीक है, मगर एक्चुअल में क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि इसको यदि हम 3200 किलोमीटर ऊपर चले जाए, ठीक है, तब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। ठीक है, इसी सहूलियत के लिए एक फॉर्मूला आया था बाबू। ठीक है, तो उस फॉर्मूले का नाम हो जाता है, यानी जी डैश निकालना है। जी तो हमें पता है, मगर जी डैश निकालना है। ठीक है, तो जी डैश बराबर जो होता है वो होता है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जी इंटू, ठीक है, जी इंटू क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस कितना ऊंचा तक ले जाया गया है। ठीक है, यानी हाइट का, और इन सब का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान से फॉर्मूला नोट कर लीजिए, जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस जितना ऊंचा ले जाना, यानी हाइट, ब्रैकेट बंद, उसके स्क्वायर। तो जी डैश हमें निकालना ना है, तो जी डैश निकाल दीजिएगे, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी डैश, जी हमें पता ना है, जी हमें कितना पता है कि 9.8 होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है बाबू, 6400 किलोमीटर हो जाता है, और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, ये कितना ले जाएगा, 3200 किलोमीटर ऊपर ना, तो 3200 बटा एम बटा सॉरी यानी इसका स्क्वायर। तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 9.8 गुना ये 6400, 6400 3200 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9600। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 32 2 64 आई 32 64। ठीक है, ब्रैकेट बंद, इसका स्क्वायर। तो यानी जी डैश बराबर यहाँ से क्या हो गया, 9.8, यानी 9.8 गुने 2/3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी 9.8 गुने 2 का स्क्वायर 4 ना, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9.8 में 4 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 × 32 ना बाबू, 8 × 32 और 9 × 36 यानी हो जाएगा 39.2/9। ठीक है, इसको कट कर दो तो 9 से कितना मरतब कट जाएगा, 9 × 36 ना, ठीक है, 9 × 36 हो गया, 3 × 2 और ना बच गया, तो 4 × 3 9 × 3 27 यानी 5 × 2 तो 9 × 6 54। ठीक है, 9 × 5 45 यानी 4.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 3200 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद जी डैश का वैल्यू, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 4.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बाबू, चलो तो इसी फॉर्मूला पर सारे क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, चलो तब समझ सोच रहे हो कि फॉर्मूला कहाँ से है, तो फॉर्मूला से कहाँ से है उसका लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, नहीं तो अभी वो इसी में प्ले कर दे रहा हूँ। ठीक है, देख लो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 10 तुमको कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट अबव द अर्थ सरफेस। यानी इसमें क्या कर दिया, खाली उल्टा कर दिया है। ठीक है, यानी तुमको एक्सेलरेशन दे दिया पहले से ही, एक्सेलरेशन यानी जी डैश साथ तुमको क्या दे दिया है, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया है, ये तुमको एक्सेलरेशन पहले से दे दिया है। जी तो तुम्हें पता ही है, जी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें पूछ रहा है कि हम अर्थ से कितना ऊपर इसको ले जाएं कि जी डैश यानी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। ठीक है बाबू, चलो तो एक बात तो तुम जानते हो कि अर्थ से ऊपर जाते जाते हैं और क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटते जाते हैं, जितना ऊपर जाते हैं उतने घटता है। ठीक है, चलो यानी हमें फॉर्मूला पर आते हैं बिना कुछ समय गवाए। फॉर्मूला क्या कहता है, जी डैश बराबर जी इंटू
रेडियस ऑफ अर्थ बटा क्या, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट और इसका स्क्वायर। ठीक है चलो, जी टेस्ट तुम्हें पता है ना कितना है, 0.2 है। जी तुम्हें पता है ना कितना है, 9.8 है। रेडियस ऑफ अर्थ पता है ना कितना है, 6400 है। ये रेडियस ऑफ अर्थ पता है 6400, एच नहीं ना पता, ये तो हमें निकालना है, बटा एच हो गया इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है आगे प्रोसेस कर लो। तो 9.8 इसके गुना में तो इधर आके भागा में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम भागा में लिख लेते हैं, तो भागा में क्या हो जाएगा, यानी 0.2/9.8 हो गया। ठीक है और ये क्या हो जाएगा, ये तो है ही 6400/6400+h, और इसका क्या है स्क्वायर है। तो डेसिमल से डेसिमल कटा, 298 कितना मरतबे कट जाएगा, 49 मरतबे, यानी 1/49 हो गया ना, तो 1/49 हो गया। अब बराबर क्या हो जाएगा, 6400/6400+h स्क्वायर है ना, स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा रूट में ना, यानी हम यहाँ पर हम रूट लिख देते हैं। तो 1/49 से क्या बार हो जाएगा बाबू, 1/7 बार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6400/6400+h। तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर दो, इधर क्या हो जाएगा 6400+h बटा क्या हो जाएगा 6400 × 7। ठीक है क्या हो जाएगा 6400 × 7। ठीक है तो एच बराबर हम क्या ले सकते हैं, 6400 × 7 − 6400। ठीक है चलो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 6400 फैक्टर ले लेते हैं। तो जैसे ही तुम 6400 फैक्टर ले लोगे, एच बराबर 6400 फैक्टर लेने से यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो 7 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा −1, यानी क्या हो जाएगा 6400 × 6, यानी क्या हो जाएगा 6400 × 6। 6400 में 6 से गुना कर देते तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 जीरो है तो पहले तो 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो चुपका दो। और 66 का क्या होता है, 360 × 6 = 24, यानी 384। तो 384 100 किलोमीटर आ गया, क्या डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 384 100 किलोमीटर। ठीक है बाबू चलो इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 तुमको क्या कह रहा है बाबू, कि एज वन मूव्स टू ए प्लेस 3200 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस टू 4/9 ऑफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम दिस डाटा। ठीक है यहाँ से तुमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ताकि आज फॉर्मूला क्या कहता है कि जी डैश बराबर जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट बाय के। तुमको दे दिया है ना सब कुछ, क्या क्या दे दिया है, जी डेस तुमको दे दिया है, कितना कह रहा है जी डेस जो होगा 4/9 होगा, किसके 4/9 होगा, रिड्यूस टू 4/9 ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ पर जितना होता है उसका 4/9, यानी जी डेस क्या हो जाएगा, तो जी का 4/9 ना, यानी 4g/9 लिख लेते हैं। ठीक है जी तो जी ही है। ठीक है एच कितना दे दिया है, एच तुमको 3200 किलोमीटर दे दिया, क्या दे दिया 3200 किलोमीटर। लेकिन फॉर्मूला पर लिख तो जी डेस का वैल्यू तुमको कितना है, 4g/9 है बराबर जी हो गया। और रेडियस ऑफ अर्थ ना, तो रेडियस ऑफ अर्थ पता है नहीं ना, नहीं पता है प्लस एच, ब्रैकेट बंद कर दो, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 4/9 बच गया। तो यानी ये जो स्क्वायर इधर रूट में हो जाएगा ना, तो रूट में कर देते हैं, तो 4/9 बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। ठीक है सर, आगे हम निकाल लेते हैं। तो 4/9 का क्या हो जाएगा, 2/3 ना,
2/3 बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का वैल्यू कितना है 3200 होना, तो 3200 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा यार, 2 रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 3200 अब बराबर क्या हो जाएगा 3 रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो 2 रेडियस ऑफ अर्थ उधर लेके चले, यानी 6400 बटा क्या हो जाएगा 3 रेडियस ऑफ अर्थ माइनस 2 रेडियस ऑफ अर्थ, यानी रेडियस ऑफ अर्थ बराबर क्या हो जाएगा 6400 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बन गया बाबू, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, ये बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए क्लिप, फाइंड इट्स स्पीड 2 सेकंड आफ्टर इट्स ड्रॉप, इट स्पीड्स व्हेन इट हैज फॉलन थ्रू 78.4 मीटर एंड द टाइम टेकन इन फॉलिंग थ्रू 78.4 मीटर। ओह ठीक है, ये गेंद है, यानी गेंद कहाँ से गिराते बाबू, गिराया जाता है बाबू क्लिप से गिराया जाता है, ठीक है। चलो तो क्लिप से गिराया जाता है, तो क्लिप से गिराया जाता है उसने क्या करा कि 2 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या होगा 2 सेकंड के बाद, ठीक है। तो सपोज करो कि मान ले कि एक क्लिप हो गया, ठीक है, यहाँ से कोई बॉल गिराया गया, तो जिस समय गिरा रहा होगा उस समय तो वस्तु का जो स्पीड होगा क्या हो जाएगा 0 होगा, यानी यू का वैल्यू क्या है 0 मीटर पर सेकंड। टाइम तुमको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कि 2 सेकंड में हमको बताओ कि वेग क्या होगा, एक कितना लगेगा, ये तो 9.8 लगा, देन लेने के लिए कुछ कहा है, कुछ नहीं कहा, तो 9.8 लेकर चलते हैं, यदि कैलकुलेशन टफ पड़ेगा तो हम 10 इसको चेंज करते हैं, ठीक है, यानी 9.8 से पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वस्तु को तो नीचे खींच रहा, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं बाबू, हमें तो हमें क्या पूछ रहा है 2 सेकंड के बाद इसको स्पीड ना पूछ रहा है, यानी भी पूछ रहा है, तो भी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो भी बराबर क्या हो जाता है यू प्लस 80 ना, यहाँ से हो जाएगा भी बराबर यू प्लस 80, ठीक है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, यू तो है लड्डू ना, ए कितना है 9.8 है, टी कितना है 2 है ना, तो भी बराबर क्या हो जाएगा 9.8 को 2 क्या हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी तुम्हारा ए का वैल्यू आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन मिल गया कि 2 सेकंड बाद इसका वेग क्या हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। अब तुम्हें बी पर आ जाओ, बी क्या करा कि इट स्पीड व्हेन इट इज फॉलन थ्रू 78.4 मीटर। अब इसमें बी में इंक्लूड तुमको क्या कर दिया है, बी में तुमको इंक्लूड कर दिया है कि जब यह 78.4 मीटर का दूरी ट्रेवल करेगा तब वो उसे हाँ तब उसका स्पीड क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी 78.4 में उसका जो स्पीड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो तो यानी ऊपर से ही 78.4 मीटर कर रहा है, 2 सेकंड बाद तो कर रहा है, यानी ऊपर से ही हमें 78.4 लेना पड़ेगा, तो ऊपर से 78.4 ले लीजिए। यहाँ से तुमको एक क्या पता है कि एस जो होगा एस दे दिया है तुमको 78.4 मीटर, ठीक है। तो एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ना, तो यू तो कितना है 0 है ना, तो 0 गुना टी तो पर नया 0 हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर, हाफ ए का वैल्यू कितना है 9.8 ना, टाइम तुम्हें पता है नहीं पता है तो टी स्क्वायर, ठीक है। चलो यहां से क्या हो जाएगा 78.4 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर हो गया, क्या होगा 4.9 टी स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा यानी टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि 78.4 बटा 4.9 बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल ना, 49 से कुछ कट जाएगा, ये 49 से एक मरतबे कटेगा तो क्या होगा 49 न होगा, और क्या हो जाना चाहिए 49 और 29 40 का 240 9 6 54, तो एक और 6 यानी 16 मरतबे पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16 हो गया, तो टी बराबर यहां से क्या हो गया 4 सेकंड, ठीक है। तो टी यदि 4 सेकंड आ गया तो भी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो भी क्या होता है यू प्लस 80 ना, यू तो इसका लड्डू है, ए कितना है 9.8 गुना 4, यानी भी का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 6 36 8 6 32 यानी 39.2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। चलो, यानी 78.4 मीटर की दूरी तय कर उसका स्पीड क्या रहेगा, 39.2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और तुमको क्या कर रहा है, और सी पूछ रहा है कि द टाइम टेकन, इसका सी क्या हो जाएगा, 4 सेकंड। टाइम जो हमने टाइम ही हमने निकाल लिया, 4 सेकंड टाइम हो गया, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था, तब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 39.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो, और तुमको क्या कर रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज एंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 39.39.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो थ्रोन अपवर्ड्स ना, तो थ्रोन अपवर्ड्स यानी क्या करें, ऊपर फेंका गया है, ठीक है। तो ऊपर कितना स्पीड से फेंका गया है, 39.2 मीटर पर सेकंड स्पीड से, ठीक है, थ्रोन अपवर्ड्स, ठीक है। कह रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, यानी तुमको क्या पूछ रहा है, एस का वैल्यू पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, ठीक है। तो अपवर्ड जा रहा है, यानी क्या रहा है, नीचे से ऊपर ना जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जाते गुरुत्वीय त्वरण उसको क्या करेगा, नीचे खींचने का काम करेगा, यानी जी का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, -9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, -9.8 मीटर पर सेकंड उसका, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यू का तो वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो बाबू कि वस्तु जो होगा किसी न किसी पॉइंट पर जाकर के तो रुकेगा ही, ठीक है। जिस पॉइंट पर रुकेगा वहां पर क्या होगा, वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा, यानी 0 मीटर पर सेकंड। तो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, इस ना फाइंड आउट करना है। इस फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला पर यूज करते हैं, तो बी स्क्वायर और क्या यू स्क्वायर प्लस 2s ना, तो भी तो जीरो है ही, यू स्क्वायर यू के कितना आएगा, 39.2 ना, तो 39.2 का स्क्वायर प्लस 2, ये का वैल्यू कितना है, 9.8 ना, वो भी माइनस और गुना s, यहां पर कर लेते हैं। तो सिंपली ध्यान दो, तो 39.2 ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस में ना है, तो इसको पूरा को उधर लेकर चल जाते हैं, देख लो, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस अति 9.8 गुना 2 क्या हो जाएगा, 19.6s ना, यानी 19.6s बराबर क्या हो गया, 39.2 गुना 39.2s बराबर क्या हो जाएगा, 39.2 गुना 39.2 बटा 19.6 ना, कट कर दो, तो ये 2 मरतबे कट जाएगा पूरा, ये तो पूरा कटेगा नहीं, तो डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख दो, रहने दो, 39 दिन क्या हो जाएगा, 78.2 यानी 4, तो 78.4 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। चलो, तो कितना हाइट तक जाएगा, 78.4 मीटर हाइट तक जाएगा, तो ही तुमसे पूछ रहा था, और पूछ रहा है कि टाइम भी क्या होगा, तो टाइम निकालो, तो टाइम कहाँ से निकाल लेंगे, वी बराबर यू प्लस 80 से निकाल लें, तो वी बराबर यू कितना है, 39.2 ना प्लस 80, यानी -9.8 लेना है गुने टी, तो -39.8 प्लस ना है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, -9.8 ना, तो माइनस माइनस करने से 9.8 से कट जाएगा, 4 मरतबे, यानी टी का वैल्यू क्या आ गया, 4, यानी टी क्या आ गया, 4 सेकंड हो गया, ठीक है। चल, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, ये बॉल थ्रोन अपवर्ड टेक्स 4 सेकंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द इनिशियल स्पीड, लेकिन हूबहू इस क्वेश्चन को सिर्फ पलट दिया है, कुछ नहीं किया है। 14, 13 में हमने क्या किया था, हाइट निकाला था, ठीक है, 78.4 मीटर आया था, और बाकी प्रोसेस किया था, और इसमें क्या कर रहा है कि इसमें हाइट दे दिया है पहले से, हाइट नहीं दिया, इसमें भी एक्चुअल में हाइट ही पूछ रहा है, यानी टाइम तुमको दे दिया है, तो टी दे दिया है 4 सेकंड। क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड कर लो, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बॉल थ्रोन अपवर्ड्स अपवर्ड्स ओके टेक्स्ट 4 सेकंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, फाइंड ये द इनिशियल स्पीड, ठीक है, यानी यू पूछ रहा है क्या होगा, बी 35 थ्रोन एंड बी द मैक्सिमम हाइट रीच, और क्या पूछ रहा है, एस का वैल्यू क्या होगा, तुमको टी दे दिया है, ठीक है, दे दिया, तो टी दे दिया है, तो भी तो कहीं ना कहीं जाकर के जीरो होना ही है, तो जीरो दे दिया, जी तुम्हें पता ही, जी क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो भी बराबर यू प्लस 18, तो भी बराबर यानी 0 प्लस u प्लस 18, तो यू क्या होगा, यू तो निकालना है, ए ए का वैल्यू कितना है, 9.8, वो भी माइनस ना, माइनस हो जाएगा, हर टाइम 4 सेकंड, यू बराबर क्या होगा, डायरेक्ट हम लिख देंगे 39.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि गुना करेंगे तो माइनस होगा, उधर जाकर प्लस होगा, यू का वैल्यू आ गया कितना, 39.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब यू आ गया 39.2, तो बच क्या गया, हाँ यू तो यानी स्पीड निकालो, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा था, इस बराबर यूटी प्लस आपके टी स्क्वायर यूज कर दो, टी कितना हो गया, 39.2 यूटी हो गया,
प्लस हाफ है टी स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा हाफ 9.8 गुने 4 गुना 4, ये 2 से कट जाएगा दो मरतबे, ठीक है। 9.8 में 4 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 39.2 गुना 4 ना, ये क्या हो जाएगा माइनस 39.2, 9.8 में 4 से गुना कर 39.2 ना गुना 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 बता भाई रे, क्वेश्चन नंबर 16 का लाना पर ले चल दे दिए, अभी चले तो परमा साहब के आखिरी में बता दो। तो 39.2 गुना 4 ना 39.2 गुना 2 हो गया, ठीक है। इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं, 39.2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा 4, यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो 39.2 गुना 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 78.4 मीटर आ गया टोटल हाइट यहाँ से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, ये एससी वर्मा के चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट इन 5 सेकंड, ठीक है। तो टी दे दिया कितना तुमको 5 सेकंड दे रहा, अगेन पूछ रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट क्या हो, ठीक है। चलो तो सिंपल वही प्रोसेस है, जी का वैल्यू क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड, वी का हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो फाइंड द वेलोसिटी टू बाय थ्रोन ना, टी का वैल्यू निकालना है, तो सिंपली यहां से निकालो वी बराबर यू प्लस एटी ना, तो जीरो बराबर यू प्लस एक कितना हो गया 5 ना, अति ये 9.8 का टाइम हो गया कहीं माइनस ना, तो माइनस तो 9.8 में 5 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9.45 यानी 49, यानी यू का वैल्यू हो गया 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो तो फाइंड द वेलोसिटी यही निकालना था, 15 हो गया, आप 16 पर आते हैं। आखिरी में बता दो कहना चिंता करे, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स अटेन्स ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 19.6 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी वी इट वाज, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट देती है 19.6 मीटर, यानी एस का वैल्यू देती है 19.6 मीटर, वी तो जीरो होगा ही क्योंकि सबको ऊपर ही फेंका गया, तो वी जीरो होगा, जी का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलो अब तुमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी बीच इट वाज थ्रोन, यानी यू का वैल्यू तुमसे अगेन पूछ रहा है, तो क्या होगा यू हम कहां से निकाल लेंगे बाबू, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s से निकाल दो, तो वी जीरो है ना, तो जीरो का स्क्वायर यू का वैल्यू कितना है निकालना है, तो यू स्क्वायर प्लस 2s ना, तो माइनस 2 गुना a का वैल्यू कितना है 9.8 ना, s कितना है 19.6, ठीक है। चलो तो जीरो पावर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 19.6 गुना 19.6, 9.8 में 2 से गुना करोगे तो क्या 19.6 ना होगा, 19.6 गुना 19.6 ये माइनस नहीं तो उधर प्लस में हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 19.6 गुना 19.6, यू ना तो यू बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 19.6 गुना 19.6 कट जाएगा, तो ये एक बाहर हो जाएगा ना 19.6 मीटर पर सेकंड हो गया। कहीं नहीं कुछ कही थी मैं सब्सक्राइब है ना पता सही था, तो 19.6 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 पर आता, क्वेश्चन नंबर 17, ये बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर, अगेन अपवर्ड्स स्पीड रहा है तो सिंपली कर दो, यू दे दिया तुमको 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। थ्रोन अपवर्ड्स विथ ए वेलोसिटी, यानी जी अगेन क्या हो जाएगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो और क्या हो गया, और क्या हो गया करके, हाँ हाउ मच टाइम विल टेक टू ओरिजिनल पोजीशन, तो टी का वैल्यू पूछ रहा है, वी तो अगेन इसमें जीरो ही होगा, तो वी बराबर यू प्लस एटी ना, तो वी बराबर यू कितना होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलो जीरो तो वी तो जीरो हो गया ना, तो जीरो कहूं गलती से लिखा गया हो गया जीरो, तो वी बराबर यू प्लस एटी ना, तो यू कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, u प्लस 18 ना, तो यानी a का वैल्यू कितना है, ये तो माइनस होगा ही, तो माइनस 9.8 गुना t, अगेन कर दो तो ये माइनस हो जाएगा प्लस ना, तो 9.8 के जगह पर इस बार क्या कर लेते हैं 10 ले लेते हैं क्योंकि 20 ने दे दिया है, तो 10 ले लो, ठीक है। 10 लेने से क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो जैसे ही 10 ले लेगा तो क्या हो जाएगा ये 10 ना, तो 10 गुना t,
उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यार, 10 t = 20 m/s हो जाएगा, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, 20/10 ना यानी 2 सेकंड। ठीक है, तो टाइम आ गया 2 सेकंड, 17 हो गया सॉल्व। एक सेकंड, 17 तो हाँ, चलो 17 में इसमें थोड़ा सा और इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है कर दिया है क्या, कि एक कोई जो बॉडी है क्या कह रहा है, उसे ऊपर फेंका गया है, कोई बॉडी है उसको क्या 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 है, इधर देखें, कोई बॉडी है क्या क्या है, उसको ऊपर फेंका गया है। ठीक है, तो ऊपर फेंका गया है तो कुछ वो भी जानते हैं, कोई वस्तु नीचे भी आएगा, जो वस्तु को ऊपर फेंका गया कुछ देर के बाद तो नीचे आना ही है, कि जैसे ही उसका भी जीरो हो जाएगा, यानी यू धीरे धीरे जो जीरो हो रहा है, जिस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा उस पॉइंट से क्या होगा, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो नीचे आना तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा भाऊ, 2 सेकंड ना, तो इतना जान लो जितना ऊपर जाने में, नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में लगेगा। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाने में 2 सेकंड लग रहा है, तो ऊपर से नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो वापस अपने पोजिशन पर टोटल कितना देर में आ जाएगा, 4 सेकंड। ठीक है, चलो तो 17 का ऐसे भी बना सकते हैं, तो हम 17 को दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं उसको हम देख लो। कोई वस्तु क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर फेंका गया है, अब फिर तो ऊपर से वापस नीचे आ रहा है ना, यानी उसका यश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगेन उसका यश क्या हो जाएगा, जीरो, कोई वस्तु ऊपर गया ऊपर से वापस नीचे आ रहा है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका वैल्यू तो तुम्हें जीरो मिल गया, यू तुमको दे दिया है ना, यू कितना दे दिया, 20 m/s, और जी का वैल्यू कितना ले लेना है, 10 m/s। तेज पावर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ना, यहाँ से टी निकालो तो 0/UT ना, तो 20 t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ना, तो हाफ जी टी यानी जी क्या हो जाएगा, 10 ना, टी के स्क्वायर, तो टी 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 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको तो माइनस न लीजिएगा तो माइनस नहीं होगा, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5t² = 20t। यहाँ देख लो 5t² माइनस में ना है, ठीक है, क्योंकि इसका अगर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तो इधर जाकर माइनस वाला उधर जाकर प्लस में ना जाएगा, तो 5t² = 20t, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो 5t = 20 ना, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 20/5 यानी 4 सेकंड। ठीक है, चलो तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, तो हम उस तरह से भी निकाल सकते हैं। आगे आ जाओ 18 पर।